अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। अब चलते हैं आज की ताज़ा अपडेट की तरफ। इकामा कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ, 1,500 गैर मुल्की गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। रियाज पुलिस ने इकामा और सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,500 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियां 12 रजब से 9 रमजानुल मुबारक 1441 हिजरी मुताबिक 2 मई 2020 तक अमल में आई हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाज पुलिस के तर्जमान कर्नल शाकिर अल-तवेजरी ने वाज़े किया है कि इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार रियाज शहर और इसके कमिश्नरियों में जगह जगह इकामा कवानीन और सरहदी सलामती के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताकुब कर रहे हैं। मुबैना गिरफ्तारियां इसी का हिस्सा हैं। अल-तवेजरी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है, इनमें से बाज़ रियाज रीजन के गारों और पुरख़तर पहाड़ी शिगाफों में छुपे हुए थे। तर्जमान के मुताबिक बाज़ के खिलाफ FIR दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए हैं।